आज के इस वीडियो में हम फेस्टिव सीजन के लिए मेकअप लुक देखने वाले हैं मैंने ये जो कुर्ती पहनी है वो नई ही भी है मतलब ऑफलाइन परचेज की है तो आपको लिंक नहीं दे पाऊंगी बट यस मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है फेस्टिव सीजन के लिए तो मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं सारे ही आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसे कैसे स्टाइल की यहाँ पर हम जो मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं उसमें सिर्फ चार ही प्रोडक्ट का यूज करने वाले हैं साथ ही में देख लेंगे एक क्विक सी हेयर स्टाइल और एक कंप्लीट कॉम्बो आपको मिल जाएगा कि मतलब अगर ऐसा कोई सिंपल सा आउटफिट है तो आप उसे रक्षाबंधन के लिए कैसे स्टाइल कर सकते हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको आउटफिट दिखाना चाहूँगी और ये जो वीडियो में बना रही हूँ वो इसीलिए बना रही हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं हैं तभी भी आप अच्छे दिख सकते हैं कम प्रोडक्ट्स से भी मतलब एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं एक हेयर स्टाइल थोड़ी सी चेंज वाली ले लीजिए और बस थोड़ा बहुत मेकअप अच्छा कर लीजिए उससे भी आपका आउटफिट का जो लुक है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा क्योंकि मेरी थिंकिंग ऐसी है कि हमारे पास जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए सो so, यहाँ पर सबसे पहले हम एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन देख लेते हैं यहाँ पर मैंने चेहरे को सबसे पहले फेस वॉश से क्लीन कर लिया है और अब मेरा जो फेवरेट मॉइस्चराइज़र है उससे मैं यहाँ पर मतलब कुछ टाइम तक अपने चेहरे की मसाज करूंगी इससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो रेडी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कभी भी अगर हमें मेकअप करना है तो हमेशा ही उससे पहले स्किन को रेडी करना चाहिए प्रेप करना चाहिए तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पर सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं बीबी क्रीम का हम सिर्फ चार ही प्रोडक्ट का यूज़ करने वाले हैं उसमें से पहली प्रोडक्ट ये है सबसे पहले चेहरे पे छोटे छोटे ड्रॉप्स बना लीजिए इस बीबी -बी क्रीम से यहाँ पर हमने ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र लगा के रखा है तो बीबी -बी क्रीम जो है वो बहुत ही इजीली हमारे चेहरे पर स्प्रेड हो जाएगा बट मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ अगर आप मेकअप में बिगिनर है बहुत ही स्टार्टिंग से आप सीख रहे हैं तो फाउंडेशन या बेबी क्रीम को जब भी आप चेहरे पर लगाए तो उसे तुरंत ही स्प्रेड कर दें क्योंकि कुछ टाइम के बाद बीबी -बी क्रीम जो है उसे सेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है तो ये है आज का है कि बीबी -बी क्रीम को आप मॉइस्चराइज़र के ऊपर लगाइए तो बहुत ही जल्दी से स्प्रेड हो जाता है नाव दूसरी जो चीज़ है वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लूज़ पाउडर मैंने यहाँ पर पिनाज का जो बेबी क्रीम काइंड पाउडर आता है वो वाला यूज़ किया है मार्केट में आपको बहुत ही इजीली वो मिल जाएगा और अगर ये वाला पाउडर नहीं है तो इसके इसके ऑप्शन में आप पोन्ट्स का जो पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं घर में जो भी आ, मतलब पाउडर अवेलेबल है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत है तो अच्छे से ब्लेंडिंग करने की मैं ये वीडियो इसी बना रही हूँ कि ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि महंगी वाली प्रोडक्ट्स नहीं है तो हम अच्छे नहीं दिख सकते या एक अच्छा मेकअप लुक नहीं क्रिएट कर सकते तो ऐसे जब बीबी -बी क्रीम के ऊपर हम लूज पाउडर लगा लेंगे तो मेकअप का लुक जो बनेगा वो बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा सो so ना uh, अगली जो प्रोडक्ट है वो है लिपस्टिक और मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है पर आप ये गलती मत कीजिएगा मैंने यहाँ पर गलती से मेट लिपस्टिक का यूज़ किया है पर आप यहाँ पर मेट लिपस्टिक की जगह कोई भी ग्लॉसी या स्टिक वाली जो लिपस्टिक आती है उसका यूज़ कीजिए उससे मतलब जो ब्लेंडिंग होगी वो बहुत ही परफेक्ट होगी ये ब्लैंड करने में मुझे बहुत ही टाइम लग गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा इसे ब्लेंड करना पड़ा तब जाके मुझे एक अच्छा आई मिला तो यहाँ पर लिपस्टिक से हम आई बना लेंगे लिपस्टिक कर लेंगे और साथ ही में अपना ब्लश भी कर लेंगे यहाँ पर ब्लश करते करते भी मेरे से एक गलती हो गई थी मेकअप जब भी, भी हम करते हैं तो मेकअप एक लर्निंग का प्रोसेस होता है मतलब जब भी हम करते हैं सीखते हैं तो कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है मेरे से भी होती है और आपसे भी होती है तो यहाँ पर जब मैं ब्लश कर रही थी तो मेरा एक जो चीख है वो कुछ ज़्यादा ही रेड हो गया था तो उसे लाइट करने के लिए यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा बीबी -बी क्रीम का यूज़ कर लिया और उसके बाद मेरे जो ब्लश मतलब बन के आए वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे तो अगर आपसे भी ऐसी कोई गलती होती है ज़्यादा लिपस्टिक लग जाती है चेहरे पर तो आप बीबी -बी क्रीम का यूज़ करके उसे सेटल डाउन कर सकते हैं oh! नाव यूज़ करते हैं हमारी आखिरी प्रोडक्ट यानी कि काजल यहाँ पर मेरी जो आँखें हैं वो बहुत ही छोटी छोटी सी है तो जब भी मैं काजल करती हूँ तो थोड़ी सी वो हाईलाइट हो जाती है और अगर आप अपनी आइस को और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वाइट काजल का यूज़ कर सकते हैं जब भी आप आई शेडो अप्लाई करें तो सिर्फ ऊपर का पोर्शन कवर ना करें नीचे के पोर्शन में भी उसे थोड़ा सा ब्लेंडिंग दे दे उससे भी थोड़ी सी आइस जो है वो पॉपअप दिखने लगती सो so, नाउ है हेयरस्टाइल की बारी अगर यहाँ पर आपको बालों को खुला छोड़ना है तो आप खुला भी छोड़ सकते हैं और आपको पैक वाली हेयर स्टाइल पसंद है तो वो भी है मैंने यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस मतलब खुले रखे हैं सबसे पहले आपको बालों को साइड पोर्शन में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर चुटी बनानी है चोटी बनाते वक्त आपको दोनों ही तरफ से यानी कि अंदर से और बाहर से हर बार इस चोटी में थोड़े थोड़े बाल ऐड करते जाना है ना ये वाली जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही ट्रेंड में है तो आप इसे मतलब बना सकते हैं ईजिली ये बन जाता है शायद अभी दिखने में थोड़ा सा टफ़ लग रहा हो पर जब आप बनाएंगे तो ये बहुत ही सिंपली बन जाता है एंड तक आपको ऐसे चोटी को बनाना है और उसके बाद सबसे एंड पोर्शन में मैं यहाँ पर पिंक कलर का एक छोटा सा रबर बैंड से उसे टाई कर रही हूँ नाउ आपको इसे थोड़ा सा मतलब खोल देना है जिससे बाल जो है वो थोड़े से फ्लफी से दिखे न दूसरी जो साइड है वहाँ पर भी हम सेम उसी रबर बैंड का यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले हम एक छोटी सी चोटी बना लेंगे ऊपर के और लेके उसके बाद उस वाली चोटी को थोड़ा सा लूज़ करेंगे और वही सारे बाल जो है उसे बीच में से निकाल देंगे आप यहाँ पर अगर ऐसे रखना चाहे तो ऐसे भी बालों को खुला छोड़ सकते हैं बट मैं यहाँ पर एक पैक हेयर स्टाइल बना रही हूँ इसलिए सारे ही हेयर को मैंने आगे ले किया है और जैसे हम सिंपली चोटी बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर मैं बना लूँगी तो आप देख सकते हैं हेयरस्टाइल हमने फटाक से मतलब टू टू थ्री मिनट्स में ही ये हेयरस्टाइल बन जाता है और दिखने में ये एकदम ही सुंदर दिखता है यूनिक सा दिखता है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें सो नाव है मेरा फेवरेट पोर्शन यानी कि एसेसरीज़ की बारी उससे ही हमारा पूरा लुक एनहांस होता है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चोकर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो गले की पैटर्न है वो उस तरीके की है कि इसमें हम चोकर स्टाइल करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये वाला जो वीडियो है वो मैं रक्षाबंधन लुक के लिए शूट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर ना ही ज़्यादा हैवी वाला मेकअप और एसेसरीज चूज़ की है उसके बाद मैं यहाँ पर पिंक कंगन यूज़ कर रही हूँ दो कंगन मतलब बहुत बहुत है इस लुक के लिए क्योंकि मैं इस लुक को हैवी बनाना नहीं चाहती थी अगर आपने शादी की है फिर भी आप ये लुक कैरी कर सकते हैं और एज ए गर्ल भी अगर आप इस लुक क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं उसके बाद इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ की है बिंदी क्योंकि इंडियन लुक को टच देने के लिए बिंदी का रोल जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मतलब रेगुलर में मुझे बिंदी उतनी अच्छी नहीं लगती है बट जब भी मैं ऐसा लुक क्रिएट करती हूँ तो मैं बिंदी का यूज़ ज़रूर करती हूँ एंड एंड में मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं थोड़े से बड़े वाले झुमके अगर आपको मतलब इतने बड़े इयर पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पर जो छोटे वाले ईयर या छोटे वाले झुमके आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो अब ये मेरा जो लुक है वो कंप्लीट हो चुका है मैं आपको एक बार पूरा लुक दिखाऊंगी मतलब पूरे आउटफिट कैसे लग रहे थे एंड में तो आगे की क्लिप में आपको पूरा ही लुक दिखाती हूँ सो so, नाव बारी है बिफोर एंड आफ्टर लुक की तो मैं आपको जो डिफरेंस है वो दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया है उतनी ज़्यादा हैवी एसेसरीज़ नहीं चूज़ की है वही ड्रेस है फिर भी डिफरेंस आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस uh, दिखाई दे रहा है रेडी होने के बाद और रेडी होने से पहले सो so, आप भी एक ऐसा सिंपल सा लुक क्रिएट करें और अपना रक्षाबंधन को इसी तरीके से सेलिब्रेट करें आगे मैं और लुक्स क्रिएट करने वाली हूँ फेस्टिव सीजन के लिए जो एकदम ही ईजी भी होगे और पूरे ही आपके लुक को चेंज कर देंगे तो ये है हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा यूजफुल रहा होगा मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बट तब तक के लिए बाय टेक केयर